नमस्कार दोस्तों, कार पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ट्रक टॉक्स के हमारे चैनल पर हमने नई सीरीज शुरू की है। फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो उसमें हमने BS6 स्टेज 2 व्हीकल्स के बारे में बात की थी। तो आज का टॉपिक फिर हमारे साथ है मिस्टर आदित्य खैरनार। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है सर? आज हम बात करेंगे, जो कल परसों एक न्यूज आया था कि 2 साल बाद ट्रक्स के केबिन में AC मैंडेटरी हो जाएगा। राइट, तो अगर ऐसा होता है 2 साल डाउन द लाइन तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे बायर्स पे, कंज्यूमर्स पे, ड्राइवर्स पे, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो भाई लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड ये जो सीरीज है इसको काफी प्यार देना क्योंकि इस सीरीज में काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं। राइट सर? यस। तो हमारा पहला क्वेश्चन एज अ नॉर्मल व्यूअर कि एक आम इंसान की नजर में ये रूल जो हमारे आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने लाया, हालांकि काफी अच्छा रूल है, ये एक आम इंसान की नजर में आपको कैसा लगता है? देखो, आम इंसान की नजर में वैसे तो कोई मायने नहीं रखता, बट अगर मैं ड्राइवर के हिसाब से सोचूं तो ड्राइवर तो किसी वॉरियर से कम नहीं है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम भी वही एक ऐसा जॉब रोल था जो कंटिन्यूअसली चल रहा था, और भी कई सारे थे, बट ड्राइवर्स का जो था स्पेसिफिकली जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो पूरा टाइम गाड़ी चला रहे थे। हमें जो जो भी नेसेसरी चीजें हैं डे टू डे लाइफ में लगने वाली, दूध हो गया, सब्जी हो गया, बाकी सब ग्रोसरीज हो गई, वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो कोई वॉरियर से कम नहीं है। और उनको जितना कंफर्ट मिलेगा गाड़ी चलाने में उतना ज्यादा उनके हिसाब से अच्छा है। राइट। तो सर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि ठीक है, चलो ये रूल आ रहा है, अच्छी बात है, ट्रक्स में एसी है, मतलब अभी भी बहुत सारे OEMs एसी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रक में, तो मैन्युफैक्चरिंग साइड से तो ज्यादा कुछ उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। पर सर क्या प्राइस में एज अ कस्टमर को क्या डिफरेंस फील होगा? प्राइस में ज़रूर डिफरेंस फील होगा, क्योंकि अगर आज आप देखोगे कि आपकी किसी नॉन एसी गाड़ी में अगर आप एसी लगाने जाते हो तो अराउंड 50,000 बेसिक कॉस्ट लगता है एसी लगाने का। राइट। उस पर GST ऐड होगा, उसमें लेबर ऐड होगा, तो डेफिनेटली कॉस्ट इम्प्लीकेशन तो आएगा, गाड़ी की कीमत बढ़ेगी ज़रूर, और उसके लिए तो फिलहाल टाइम है, तब तक और भी कई सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। 2 साल में ऐसे ही बहुत सारा प्राइस हाइक हो जाएगा, पर जब तक एसी आएगा तब शायद वो मार्जिनल इंक्रीज होगा एसी की वजह से गाड़ियों के प्राइस में। सर TCO और ऑपरेशनल कॉस्ट या और रनिंग कॉस्ट में अभी के जो गाड़ियां चल रही है और वो रूल आने के बाद, इसमें कुछ डिफरेंस होगा या नहीं? होगा, डिफरेंस होगा। जो शॉर्ट रूट पे जो गाड़ी चल रही है, स्पेसिफिकली जो विद इन सिटी जिनका ऑपरेशन ज्यादा हो रहा है, वहां पे माइलेज थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि स्टार्ट स्टॉप तरीके का ट्रैफिक होता है, तो वहाँ वैसे ही माइलेज नहीं मिलता। आप एसी चलाओगे तो और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट जो लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलेगी वहाँ पे इनफैक्ट आपको बेटर माइलेज मिलेगा, क्योंकि आपका ड्राइवर गाड़ी की विंडोज बंद करके गाड़ी चलाएगा, तो जो जिसे एरोडायनामिक्स बोला जाता है इंजीनियरिंग टर्म्स में, तो जब सामने की एयर अच्छे से कट हो जाएगी, रेजिस्टेंस हवा का कम होगा, तो वो आपको बेटर माइलेज में ही रिजल्ट करेगा ऑब्वियसली। तो लॉन्गर रन में लॉन्ग रूट गाड़ियों में माइलेज थोड़ा बहुत जरूर इम्प्रूव होगा, बट सिटी में थोड़ा बहुत कम हो सकता है। नहीं, काफी सही रूल है, आपको तो पता है अभी राजस्थान की गर्मी, हरियाणा, दिल्ली का बहुत गर्मी होती है, ऐसी गर्मियों में एज अ चालक पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है कि ये रूल कैसा है? एज अ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत हेल्पफुल रूल होगा, क्योंकि आजकल की सिचुएशन में उनका ड्राइविंग कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है, वो बहुत ही भयानक है। राजस्थान छोड़ो, इवन मुंबई में जहाँ पे हम रहते हैं, आज मैंने एक बोलेरो देखा, वो गाड़ी में बनियान में चला रहा था, इतना गर्मी तो मुंबई में भी है। तो ऑब्वियसली जैसे हम राजस्थान जाएंगे या महाराष्ट्र में अगर आप विदर्भ जाते हो, खानदेश जाते हो, तो वहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है। तो ऐसे सारी जगहों पे ये रूल का तो बेनिफिट ही है ड्राइवर को। काफी सही रूल है, एंड नितिन गडकरी साहब ने जो ये रूल लाया है तो काफी सोच समझ कर लाया है नहीं? यस। तो एक्चुअली उन्होंने अपने उस बयान में कहा था कि ये रूल उनको काफी टाइम पहले लाना था, बट OEMs जो है मान नहीं रही थी, लेकिन अब की बार उनको मानना पड़ेगा, एंड काफी सही होगा। तो कंक्लूजन देते हैं सर एंडिंग में, तो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि इट इज अ वेरी गुड रूल, रूल नहीं कहेंगे इसको, रूल कहना है कि इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन, एंड इट इज अ वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा मुझे लगता है ड्राइवर एंड से, क्योंकि इन दी एंड गाड़ी वो चलाता है, गाड़ी वो कंफर्ट से चलाएगा, अच्छे से चलाएगा, जहाँ पे पहुंचेगा वो पे फ्रेश पहुंचेगा। ये मेरा कंक्लूजन। इसका फायदा ये भी है कि वो जो अगर 12 घंटे काम कर रहा था तो एसी की वजह से और वो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकता है। हालांकि करना नहीं चाहिए, करेगा। जब कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो आपका ड्राइवर फ्रेश रहेगा हमेशा। और इसका
एक प्रीवियस स्टोरी ये भी है कि 2018 में या 19 में सारे कमर्शियल गाड़ियों में उन्होंने एयर ब्लोअर मैंडेटरी कर दिया था, तो एयर ब्लोअर का एक्सटेंशन ही एसी है, एसी है। तो पहले सिर्फ एयर ब्लोअर आया करते थे, अभी एसी भी आएगा, तो इसका ओवरऑल सभी को फायदा ही है, जो गाड़ी ले रहा है उसको भी फायदा है, जो गाड़ी चला रहा है उसको भी फायदा है, और हम एज अ कंज्यूमर इवेंचुअली हम तक सब सामान टाइम पे पहुंचेगा, तो हमारा भी फायदा ही है, फायदा ही है, फायदा ही है, राइट। तो ये था हमारा कंक्लूजन दोस्तों, एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन आया है काफ़ी बढ़िया है, ये 2025 से कह रहे हैं कि लागू होगा, लेकिन ये जल्दी भी हो सकता है, गॉड नोज। तो ये था हमारा कार पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड, जिसमें हमने इस रूल के बारे में बात किया। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, एंड इसी सीरीज़ में अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक बटन दबा दीजिएगा, एंड इसकी एक प्लेलिस्ट भी हमने बनाकर डाली है, तो अगर आप वो प्लेलिस्ट खोल के देखोगे, इफ़ यू आर लाइक माइंडेड पीपल लाइक अस, सो यू कैन ओपन द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रक टॉक्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।